जैन दोस्तों, स्वागत है हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी पे। आज हमारे यहाँ एक गर्ल्स और आई है, क्योंकि उस दिन नहीं आ पाई थी। बहुत सारी गर्ल्स ने, चाहे आईटीबीपी का फिजिकल हो या दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो, जिसमें हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और टीपीओ की बहुत सारी गर्ल्स थी जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है, उन्हीं में से एक गर्ल्स आई हुई है आज हमारे यहाँ। तो सबसे पहले हम उसका सम्मान करेंगे और उनकी माता जी भी साथ में आई हैं, तो उनसे भी हम बिटिया का सम्मान कराएंगे और पूछेंगे कि आखिर आज उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि इस बिटिया का पहला फिजिकल था और पहली बार में ही इसने क्वालिफाई किया है। क्योंकि यहाँ पे ये प्रतिदिन आती थी, मेहनत करती थी और एक से डेढ़ महीने प्रॉपर समय दिया हुआ है, तब जाके आज यहाँ सफलता उसको मिली हुई है। सेजल, कहाँ से आती थी सेजल? बर्रासा से। सेजल, आपने कितने दिन से ग्राउंड पे प्रैक्टिस करी? 3 महीने की। ये आपका पहला फिजिकल था? कितने मिनट में वहाँ पे रेस आपकी क्वालिफाई हो गई थी? 4 मिनट पे क्वालिफाई हो गई थी। हाई जंप, लॉन्ग जंप भी था, पहले इवेंट को क्वालिफाई हो गया था। आपको कैसा लग रहा है आपकी बिटिया ने क्वालिफाई किया हुआ इस फिजिकल को, क्योंकि इसका पहला अटेम्प्ट था, आपको कैसा लग रहा है? और मतलब आप कहाँ तक उसको, मतलब आपकी शुरू से इच्छा थी कि फोर्थ लाइन पे जाए? इसका भी मन था और मेरा भी, जो बच्चों का मन हो उसमें हमारा भी। आपका भी मन था कि ये फोर्थ की तैयारी करे और फोर्थ में जाए। तो देखिए, ये होती है फोर्थ की नौकरी। आजकल माता पिता की खुद चाहत होती है कि हमारा बेटा हो या बेटी हो, वो फोर्स की तैयारी करे और जाए। आपने देखा होगा, अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 4 साल की जॉब हो गई है, लेकिन फिर भी लगन और मेहनत बच्चों की कम नहीं हो रही है। बराबर उसी तरीके की मेहनत करते हैं, चाहे वो 4 साल की जॉब हो या 4 महीने की जॉब हो, चाहे वो एयरफोर्स की जॉब हो, नेवी की जॉब हो या आर्मी की जॉब हो, बराबर सभी में उसी तरीके की मेहनत कर रहे हैं और आज जाके सिलेक्शन पा रहे हैं। तो आपने देखा कि इस बच्ची ने पहली बार में ही अटेम्प्ट किया और पहली बार में ही क्वालिफाई किया। आप भी मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।